हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आपका वेलकम है आपके अपने चैनल में तो आप सब अच्छे ही होंगे मस्त होंगे तंदुरुस्त होंगे अपने अपने ग्रोह में स्वस्थ होंगे और इधर आवाज़ आ रही होगी आपको कौवे मतलब कौवे बोल रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कौवे हैं और बारिश हो रही है अभी पाँच सात दिन हो गए मतलब बारिश लगातार हो रही है तो इधर मैं बाहर की बालकनी साफ़ कर रही थी क्योंकि बारिश होती है तो बहुत ही गंदी हो जाती है इधर से साफ़ करना ही पड़ता नहीं तो अच्छा नहीं लगता तो इधर पानी पानी हो रहा था और फिर ना कौवे जो ऊपर जो मैं छज्जा लगाया हुआ है उस पर कौवे बैठ जाते हैं और वो यहाँ पे लेटिंग पोटी वगैरह कर देते हैं तो उसकी वजह से गंदा हो जाता है तो मैं सोची चलो ये सुबह का टाइम है मॉर्निंग का तो मैं सोची साफ़ कर देती हूँ और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आज मैंने खूब मस्ती की है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि बारिश में मुझे भीग आज भीगना भी 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 था तो मैं बारिश में भी भीगी भी और आप वीडियो भी बनाई हूँ आप देखिएगा आगे ब्लॉग मिलेगा आपको मेरा बारिश का खूब मस्ती की मैंने और हर घर घर में तिरंगा लहरा रहा है आजकल तो ये चल रहा है ना तो सब अपने घरों में तिरंगा लगाइए और हमारे देश की शान बढ़ाइए क्योंकि हमारे देश में ये सभी अभी जो है लोग तिरंगे का घर घर में लहरा रहे हैं तो आप लोग जो नहीं लहराए रहे अपने घर में तो ज़रूर लहराएँ लगाए और भारत माता की हमारे देश की शान बढ़ाए तो यहाँ पे ना तुलसी पत्थर मतलब तो बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं मेरे बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये पता नहीं क्यों और नीचे जो ये जो गमले हैं ना हंडी हंडी बोलते हैं गमले सब गमले नहीं हैं दो चार गमले हैं और हंडी में लगा रखी हूँ मैं तो ये हंडी है ना मतलब यहाँ पे गुड़ की हांडी आती है इसमें गुड़ आता है उड़ीसा में ऐसी हांडियों में आजकल नहीं आता है ये पहले की हांडी आजकल तो लोहे के पीपे आते हैं ना उसमें आने लग गया तो यहाँ पे मैंने सारे उसी हांडी में लगा के रखे हैं लेकिन साइड में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था मतलब पीछे जो कचरा हो जाता है रोज़ झाड़ू निकालती हूँ फिर भी पता नहीं इतना गंदा क्यों होता है दो चार दिन से साफ़ करना ही पड़ता है और मेरा जो यहाँ पे एलोवेरा है ना ये मतलब पूरा ग्रीन हो चुका लेकिन ये भर नहीं रहा है हो रहा है ग्रीन जो ऊपर छत पे लगा हुआ है वो ग्रीन नहीं है इतना लेकिन बड़ा बड़ा हो गया है उनके पत्ते और ये वैसा का वैसा ही पड़ा है पता नहीं क्यों इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है क्या कारण हो सकती है तो यहाँ पर बस मैं यही सफ़ाई कर दूँगी वो छोटा सा वीडियो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्किप मत कीजिएगा और यहाँ पे मैंने मार दिया है वाइपर क्योंकि वाइपर हम तब तक नहीं मारेंगे तब तक इसे अच्छे से सूखेगा नहीं वाइपर मारने से पानी पूरा मतलब सूख जाता है तो जो काम करो अच्छे करो दिल से करो मेहनत लगती है लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि मतलब दोबारा करने की कोई हमें जरूरत ना पड़े पूरा अच्छा काम करना चाहिए घर का हो या फिर किसी बाहर का हो कोई भी काम हो जो भी करो अच्छे से करो जिससे कि मन फसन हो जाए खुद का और देखे उसी का भी अब देखो जैसे मैंने सफाई की है तो मेरा मन खुद मतलब ऐसा लगा कि हाँ चलो अब क्लीन हो गया और बाहर से भी कोई आए देखे तो ऐसा लगता है कि देखो कितना साफ सुथरा पड़ा है तो यही बस हमारी मतलब है करने की करना चाहिए हमें साफ सफाई बस मेरा यही कहना है और फिर मैं आ गई थी छत पे छत पे ना वो तिरंगा नीचे मतलब वो नीचे हवा के माँ हवा से उड़ नहीं रहा था नीचे अटक गया था तो मैं सोची चलो छत पे उसको ठीक करके आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने सॉन्ग लगाया था लेकिन सॉन्ग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती तो मैं सोची चलो आज बारिश में भीग लेते हैं काफ़ी दिन हो गए मतलब कितने साल हो गए काफ़ी दिन नहीं बहुत ही साल हो गए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डांस भी कर रही हूँ आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तो मैं सोच चलो तो बाबू को मैं बोली थोड़ा सा तू वीडियो बना दे तो वो बोल रहा है मम्मा ऐसे क्यों डांस कर रहे हो मैंने बोला खड़ी हो के करूँगी तो लोग देखेंगे छत पे कि ये क्या कर रही है तो मैं सोची ऐसे ही कर देती हूँ तो कौन सा सॉन्ग लग रहा है मुझे भी याद नहीं अभी तो मैं सॉन्ग लगा के कर रही थी डांस और आप लोगों को बताइएगा कैसा लगा आप लोगों मेरा देखो उधर वेर, एलोवेरा ना वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है बहुत ही अच्छा है कमेंट करके जरूर बताएगा फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय